हेलो बच्चों, प्राइमरी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कहानी दो मित्रों और एक भालू की। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में मोहन और सोहन दो मित्र रहते थे। एक बार वे दोनों एक जंगल से गुजर रहे थे। जंगल बहुत ही डरावना था। आपस में बातें करते हुए वे आगे बढ़ते जा रहे थे कि अचानक सामने से एक भालू आता हुआ दिखाई दिया। उस बड़े और डरावने भालू को देखकर दोनों दोस्त डर गए। भालू उनकी ओर बढ़ने लगा। सोहन डर के मारे तुरंत एक पेड़ के ऊपर चला गया। उसने सोचा कि मोहन भी उसी तरह पेड़ पर आ जाएगा, लेकिन मोहन को पेड़ पर चढ़ना ही नहीं आता था। वह असहाय सा नीचे ही खड़ा रहा। भालू उसके नजदीक आने लगा। मोहन डर के मारे पसीने पसीने होने लगा, लेकिन डरते हुए भी वह किसी तरह भालू से बचने का उपाय सोचने लगा। सोचते सोचते एक उपाय उसके दिमाग में आ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा और अपनी सांस रोककर एक मरे हुए व्यक्ति की तरह लेट गया। भालू नजदीक आया। मोहन के चारों ओर घूमकर वह उसे सूंघने लगा। उसे लगा कि मोहन मर गया है। उसने मोहन के कान को सूंघा, लेकिन डर की वजह से उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। भालू उसको मरा हुआ समझकर चला गया। पेड़ पर चढ़ा सोहन ये सब देख रहा था। उसने देखा कि भालू मोहन के कान को सूंघ रहा है। भालू के जाते ही सोहन पेड़ से उतर गया। मोहन भी तब तक उठ खड़ा हुआ। सोहन ने मोहन से पूछा, मित्र, जब तुम जमीन पर पड़े थे तो मैंने देखा कि भालू तुम्हारे कान में कुछ फुसफुसा रहा है। क्या वो कुछ कह रहा था? मोहन ने गुस्से में कहा, हाँ, भालू ने मुझसे कहा कि कभी भी ऐसे दोस्त पर विश्वास मत करना, तो तुम्हें विपत्ति में अकेला छोड़कर भाग जाए। ये सुनकर सोहन का मुंह उतर गया और वह अपने रास्ते चला गया। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि विपत्ति में जो साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। आशा करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।